हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर किसी भी फोल्डर को पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं मेरे लैपटॉप की होम स्क्रीन के ऊपर। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो यह है हमारे लैपटॉप की होम स्क्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वो फोल्डर चूज कर लेना है जो कि आपको करना है लॉक। तो यहाँ पे देखिए, एक फोल्डर है जिसपे लिखा हुआ है आदिवासी ऑयल। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर कुल 8-10-12 फाइलें हैं। अगर आपको ये जो फोल्डर है, पूरा फोल्डर आपको लॉक करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे इसके ऊपर, राइट क्लिक करेंगे। तो ये है विंडो 10 और 11 के अंदर प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ से विंडो 11 और 10 में सेम ऐसा आपको बताएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है शो मोर ऑप्शन के ऊपर। इसके बाद यहाँ से आपको जाना है एड टू अचीव के ऊपर। इसके बाद यहाँ से आपको आना है जहाँ पे लिखा हुआ है सेट पासवर्ड, इसको एक बार टैप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप इसका पासवर्ड दे देंगे, जैसे कि मैं फिलहाल देता हूँ 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ से आप करेंगे ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे नीचे एक आदिवासी के नाम से एक फाइल ओपन हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, ये जो पुरानी वाली फाइल थी, इसको यहाँ से आप कर देंगे डिलीट, और इसको कर देंगे आप रिसाइकल बिन के अंदर से भी डिलीट। इसके बाद इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, जाएंगे यहाँ पे, क्लोज करेंगे। अब यहां से आप किसी भी फाइल को अगर ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपसे मांगेगा पासवर्ड, उसके बिना ये फाइल्स ओपन नहीं होगी। ठीक है, आप कोई सी फाइल ले लीजिए, आप ये जितनी भी फाइलें हैं ये बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको इस फाइल के ऊपर से या फिर इस चीज के ऊपर से अगर पासवर्ड हटाना है, तो अब आप क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे इसके ऊपर, आप करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद में यहां से करेंगे शो मोर ऑप्शन। इसके बाद यहां से आप करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल्स। इसके बाद आप आपकी जो लोकेशन है उसे चूज कर लेंगे, कहां पे आपको एक्सट्रैक्ट करवानी है। मैं कराऊंगा यहां पे डेस्कटॉप के ऊपर। इसके बाद न्यू फोल्डर आप बनाना चाहें तो यहां से बना सकते हैं। इसका नाम आ जाएगा आदिवासी ऑयल। आगे आप यहां पे नाम दे दीजिए NEW, ठीक है, ओके कर देंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे ओके। तो देखिए, अब आपकी जो फाइल आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट की थी, वो अब यहाँ से अनप्रोटेक्टेड हो चुकी है। इसको ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पे अब इन फाइल्स को पासवर्ड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये फाइल्स ऐसे ही ओपन हो रही है। तो यहाँ पे चाहे PDF फाइल हो, चाहे इमेज हो, चाहे कोई सी भी किसी भी तरह की फाइल हो, आप उन सबको पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर एक और चीज़, अगर आपके सामने ऐसे अचीव वाला ऑप्शन या फिर एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन न आए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है गूगल के ऊपर। यहाँ पे आपको एक ऐप सर्च करनी है जिसका नाम है WinRAR। ये बहुत ही छोटा सा ऐप है, 2-3 MB का ऐप होता है, जो कि इजीली डाउनलोड हो जाएगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में सेम ऐसे ऑप्शन आपके पास में आने लग जाएंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कितने आसान तरीके से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर किसी भी फोल्डर को पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बनाकर ऑल नोटिफिकेशन करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।